इतने सारे बच्चों को मैंने मेहनत करते हुए देखा ना यार, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, पर अपने टाइम टेबल में कुछ चीजें वो ऐसी बेसिक मिस कर देते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, जो कि यार टॉपर लोग फॉलो कर रहे होते हैं और टॉप कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, यार काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर अब क्लास टेंथ के बाद जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सर टॉप 100 वाले बच्चे क्या टाइम टेबल अपना फॉलो करते हैं? जैसे कुछ बच्चे कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपकी 41 रैंक आई, क्या टाइम टेबल फॉलो किया था आपने? तो यार आज अपन है ना पूरी टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। और यार मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मतलब जैसे इतने सारे बच्चों का मैंने केस देखा है, देखो अल्टीमेटली यार 24 आवर्स ही सबके पास में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो टॉप 100 में रैंक आते हैं ना, वो इस चीज़ पर जिस लेवल का फोकस करते हैं और जो कुछ गलतियां जो मैं आज बताने वाला हूँ जो वो नहीं करते हैं डे वन से ही, और काफ़ी सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होती वो ये गलती करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो कैसे अपने को टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि यार अब आपका एक एक घंटा जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, 12th के साथ में फोड़ना है, तो ये चीज़ें आपको टॉपर बना सकती हैं या आपकी मेहनत को 100% आउटपुट नहीं दिला सकती अगर ये फॉलो नहीं करी तो। तो यार देखो तीन चीज़ों का है ना हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टार्ट एंड एंड, सर ये क्या मतलब हुआ? देखो यार जब भी तुम पूरे दिन भर का कोई बच्चा, तुमने 10th में भी टाइम टेबल बनाया होगा, काफ़ी सारे बच्चा सर मैं बनाता तो हूँ पर है ना फॉलो नहीं होता है। यार देखो बहुत बार ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि यार जिनकी टॉप 50 टॉप 100 में रैंक आती है उनसे यार रोज टाइम टेबल फॉलो होता है, नहीं यार वो भी इतनी बार फिसलते हैं। जैसे यार मैं जब क्लास 10th के बाद में टाइम टेबल बनाना चालू किया था, स्टार्ट एंड एंड का मतलब क्या है, मैं दो इंपॉर्टेंट इसमें ऐसी बात बताने वाला हूँ, तुमने उस पर फोकस कर लिया ना तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। स्टार्ट मतलब यार हम हमारा दिन कब स्टार्ट करने वाले हैं। अब यार जैसे आईआईटी के केस बताऊँ यार, वहाँ पर क्लास 8:30 बजे से चालू होती थी और यार उठने का कोई अता पता ही नहीं रहता था, कभी 8:15 बजे उठ रहे हैं, 15 मिनट में भाई साहब सारे काम करके, नहाता वहाँ कोई है ही नहीं ज़्यादा, मतलब मैस में से उठाया नाश्ता फटाफट से और रस्ते में करते हुए जा रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था यार, मैंने मैस में से केला उठा लिया और क्लास तक पहुँचते पहुँचते वो आधा ही ख़त्म हुआ, तो आधा केला ना बैग में पड़ा रह गया वो, तो मेरा दोस्त बोलता है भाई तेरे बैग में से अजीब सी स्मेल कैसे आ रही है, उसने देखा भाई साहब आधा केला पड़ा हुआ है। यार तो मतलब ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद में तुम कैसी भी रैंडम लाइफस्टाइल बिता रहे हो ना, मतलब वो मैटर नहीं करता यार, वहाँ पर तुम्हारी लाइफ है ना बहुत सारे लोगों पर डिपेंडेंट होती है, तुम्हारे रात को दोस्त का बर्थडे आ गया तो 12 बजे तक उसको पीटने के लिए तुमने जगना पड़ गया तुमको, है ना, किसी ने मूवी चला ली बढ़िया तो तुम 3-3 बजे तक मूवी देख रहे हो, वहाँ तुम्हारे पास में मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर लेकिन यार क्लास 10th के बाद जब तुम एक जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो यार मेजर टाइम तुम्हारा तुम्हारे साथ में रहता है। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, सर मैसेज आ गया रात को 11 बजे किसी का, तो सर मेरी तो 1 बज गई, भैया तो उसको 2 साल के लिए टालना पड़ेगा। देखो यार जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम जो सुबह उठने का जो टाइम है ना उस पर वर्क करना चालू करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, और वो ऐसा नहीं है कि एकदम से सेट हो जाएगा, जैसे यार मेरा सुबह उठने का टाइम, अगर मैं मेरे टाइम टेबल की बात करूँ, तो यार मैंने ऐसे टाइम टेबल बनाया था कि मैं 5 बजे उठूंगा रोज सुबह। अब यार क्लास 10th की छुट्टियों में तो भाई साहब अनाप शनाप शेड्यूल हो गया था, अब एकदम से 5 बजे का कैसे हो जाए? तो इसमें है ना एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी है ना ऐसा मत सेट करो, तुमने सबसे पहले तो ये सोचो टाइम स्टार्ट कब करना है मुझे अपने दिन का। तुमने बोला यार मैं 5 बजे स्टार्ट करूँगा, 6 बजे करूँगा, 7 बजे करूँगा, ठीक है वो डिसाइड कर लिया, अब वो एक दिन में अगले दिन से ही, नहीं सर मैं कल से ही सुपरमैन की तरह से इसको फॉलो कर पाऊंगा, नहीं यार वो नहीं होता किसी से। तो यार मैं तुम्हें दो बच्चों की स्टोरी बताता हूँ, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ही थे, दोनों ट्विंस थे। एक है ना मतलब खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, बहुत हार्ड रहता था, यार नहीं हुआ फॉलो तो मतलब एकदम आग लग जाएगी, और एक बच्चा ऐसा था यार ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज मैं अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं नेक्स्ट डे कुछ ट्राई करता हूँ। तो अब तुम्हें लगेगा यार सर जो स्ट्रिक्ट वाला बच्चा है उसकी तो टॉप रैंक आई होगी, नहीं एक बात बताता हूँ, वो जो था ना खुद के साथ जो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, स्ट्रिक्ट रहना रिस्ट्रिक्ट रहता था, पर भाई क्या करता था जब उसके साथ फॉलो नहीं हुआ ना तो खुद को इतनी गिल्ट ले लेता था वो, यार मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगले दिन से ट्राई नहीं करता था वो काम करने की। और जो उसका ट्विन भाई था ना, मतलब दोनों मतलब ट्विंस, वो बच्चा यार नहीं हुआ वो पता है ऐसा टारगेट सेट करता था कि यार मुझे ना यहाँ तक 15 दिन में 20 दिन में अचीव करना है। तो यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्लास 10th के बाद में जब सुबह सोचा था 5 बजे मैं अर्ली राइजर बन के पढ़ाई चालू करूँगा, मेरे से सुबह जल्दी अच्छी हो जाती है, कई बच्चों से रात को होती है, कई बच्चों से सुबह जल्दी हो जाती है,
तो यार ऐसा नहीं है कि डे वन से जैसे ही मैं 11th में आया यार सुबह 5 बजे उठने लगे दुनिया एक रात में चेंज होगी, नहीं, इट टुक मी 1 month, एक महीना लगा। पहले दिन तो बताओ 5 बजे का अलार्म भर के सोया था, बंद करा उसको 7:30 बजे उठा। तो ऐसे नहीं होता है, अपने साथ में शुरू से एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत लो कि तुम्हारा वो फेल ही हो जाए, तो ग्रेजुअली उसको इतना टाइम लो कि मैं 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर में ये चीज़ सेट करूँ। अब एक चीज़ होती है, मैं मेरा दिन एंड कब करने वाला हूँ, अब मैं लास्ट टाइम रिवीजन और इस दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। अब एक दिन से, अब जैसे मेरा सोने का टाइम मैंने सेट कर लिया था यार मैं 10 बजे सो जाऊँगा, तो मेरा दिन 10 बजे एंड हो जाएगा। अब यार कई बार बैकलॉग भी बज गया उस दिन का, तो यार उसमें पता है क्या होता है यार, आज होमवर्क बज गया, आज मैं ना 11 बजे तक 12 बजे तक जग लेता हूँ, होमवर्क तो कम्प्लीट कर रहे हैं। लेकिन पता है उसका नुकसान क्या, हमारी ह्यूमन बॉडी को जितना ज़्यादा हम वेरिएशन कराएंगे ना उतना ज़्यादा वो बेकार परफॉर्म करेगी। यार अगर तुमने अभी, मैं पूरा टाइम टेबल कैसे बनाना अपन वो भी डिस्कस करेंगे, अगर तुमने 5 बजे से 10 बजे तक, 6 से 11 या 7 बजे से 12 बजे तक भी ढंग से पूरा दिन स्पेंड कर लिया ना, तो तुम्हें अपने रात के घंटे बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला अपना स्टार्ट और एंड टाइम तुम डिसाइड करो, जो तुम ग्रेजुअली एक महीने के बाद अपना रूटीन सेट करना चाहते हो, तुम डे सुबह वाले बच्चे हो या लेट नाइट वाले बच्चे हो, उसके हिसाब से सेट करो, ठीक है। अब टाइम टेबल बनाने की बात करते हैं, है ना। तो स्टार्ट और एंड सेट हो गया, एक महीने के अंदर अंदर इसको सेट करना है। अब दूसरी बात जो है ना, अगर मैंने एक बच्चे सवाल पूछा, यार तेरे को टाइम टेबल बनाने के लिए तेरे को कितना टाइम मैनेजमेंट करना होता है? सर देखो मैं 7 घंटे सोता हूँ, तो मेरे को है ना पूरे 17 घंटे का टाइम टेबल सेट करना होता है। यही होता है, सर मैं 8 घंटे सोता हूँ, मेरे को 16 घंटे का टाइम टेबल सेट करना होता है। नहीं, तुम फालतू में 16 घंटे 15 घंटे का लोड ले लेते, तुम्हें 16 घंटे 15 घंटे का टाइम टेबल सेट करना ही नहीं है। एक तुम्हारी डेली जिंदगी में पता है नो कंसर्न जोन आता है, पता है ये कौन सा जोन होता है? जब तुम कोचिंग में पढ़ रहे होते हो ना, वो तुम्हारा कंसर्न का टाइम ही नहीं। मान लो तुम्हारे कोचिंग का टाइम दिन की 3 बजे से 8 बजे तक है, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी कोचिंग वाले उसका टाइम डिसाइड करने वाले हैं, तुम्हारे को उससे कोई लेने देने? तुमको चुपचाप जाके क्लास में बैठना है, चाहे लाइव क्लास में बैठ रहे हो लाइव क्लास में, ऑफलाइन में जा रहे हो ऑफलाइन में। तो अपना एक तो टाइम टेबल में से नो कंसर्न जोन का टाइम हटाओ। 6 घंटे की तुम्हारी अगर क्लास लग रही है, तो तुम्हें भाई खुद को 6 घंटे कम मैनेज करना है। तो कभी भी टाइम टेबल में ना ये कोचिंग का टाइम इंक्लूड मत करो। तुम्हें फालतू में दिन इतना ज़्यादा बड़ा दिखता है यार कि मुझे है ना इतने लंबे समय को मैनेज करना है, नहीं। मेरी क्लास होती थी मान लो 3 से 8, तो 5 घंटे मेरे शेड्यूल में से मेरी प्लेट पे ऑलरेडी हट गए। अब मैंने टारगेट ले रखा है यार मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है डे वन से 15 घंटे की पढ़ाई करनी होती है, और होती भी नहीं है, ईमानदारी की बात है। मैंने 10 घंटे का टारगेट लिया था यार, मैं शुरू के एक महीने पहले 10 घंटे का एवरेज बिठाऊंगा इंक्लूडिंग कोचिंग, तो मुझे सिर्फ कितना घंटा मैनेज करना हो गया? अब देखो जिंदगी कितनी आसान हो गई, 5 घंटे की टाइम टेबल मुझे बनाना है। अब बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब उस टाइम की बात करते हैं जब मुझे मेरा टाइम टेबल एक्चुअली में बनाना है। तो यार देखो अब आता है मी टाइम, फिर ये आपने बड़ी जबरदस्त बात करी, मी टाइम नालायक को, ये वो मी टाइम नहीं ना, मैं रिलैक्सेशन कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। मी टाइम का मतलब है अब मैं वो टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, रिविजन करना है, बैकलॉग निपटाने हैं, है ना। अब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, लोगों का काफ़ी सारे बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, शाम को कोचिंग जाते हैं, फिर रात को होमवर्क करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को स्कूल वाले बुलाते नहीं हैं, जैसे कि जेठालाल सुंदरलाल को नहीं बुलाता है, वैसे स्कूल वैसा ही होना चाहिए जो हमें सुंदरलाल की तरह से ट्रीट करे, जितना कम आओ उतना बढ़िया, ठीक है ना। 11th 12th में बहुत हेल्प करता है वो, तुम समझ ही गए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। देखो इसमें अब देखो, अब जो टाइम तुम्हें मैनेज करना है ना, अब मी टाइम से मेरा मतलब क्या है, हर बच्चे का एक कंटिन्यूस टाइम होता है, वो कितने घंटे के स्लॉट में पढ़ सकता है इफिशेंटली बिना ब्रेक लिए। कई बच्चों का वो 1 घंटे होता है, कईयों का 1.5 घंटे होता है, कईयों का 2 घंटे होता है, कईयों का लास्ट तक जाते थे 3 घंटे होता है। तो सबसे पहला अपना मी टाइम ढूंढो। मी टाइम मतलब क्या है, वो टाइम जिससे तुम लगातार पढ़ सकते हो बिना बीच में ब्रेक लिए। लाइफ में ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टाइम टेबल बनाना मैं सिखाऊंगा, पर पहले ये डिसाइड करना है तुम्हारे लिए मी टाइम क्या है।
तो यार बिल्कुल ऑनेस्टली ना मुझे कमेंट में बताना कि सर एज ऑफ नाउ एज अ 10th पास आउट स्टूडेंट मेरा मी टाइम है 1 घंटा। सर मेरे को 1 घंटे के बाद है ना ब्रेक लेना ही पड़ता है, मैं उससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। नहीं सर मेरा 1.5 घंटे है। कई बच्चों का मैंने देखा है यार जिनकी 10th से काफ़ी लेबोरियस प्रैक्टिस हो जाती है उनका 2 घंटे तक भी रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 घंटा खराब टाइम है, 1 घंटा भी बिल्कुल सेट टाइम है तुम्हारा अगर उसमें एफिशिएंट हो रहा है तो। पहले मी टाइम ढूंढो, उसके हिसाब से पूरी स्लॉटिंग करी जाती है कि यार मैं इतने, जैसे मेरा मी टाइम हो गया था 11th के मिड तक जाते जाते 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद यार नहीं होती थी पढ़ाई, मतलब फिर एकदम किताब लेके बैठ रहे थे कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे 15-15 घंटे पढ़ते रहते हैं लेकिन यूजलेस होता है, उनकी एफिशिएंसी 8 घंटे की आती है। इससे बढ़िया तो 15 घंटे घिसाने के बदले तो 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उतनी एफिशिएंसी से पढ़ना है कि वही आउटपुट 12 घंटे आ जाए। तो एकदम सूपर हार्ड के बदले सुपर स्मार्टनेस पे आओ, फिर हार्डनेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सब लोग अपना मी टाइम मुझे बताओ। और यार अगर तुमको मेरा एग्जैक्ट टाइम टेबल देखना है सर, एक बार आप अपना सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी टाइम टेबल बता दो तो कमेंट में बता दो, मैं पूरा वो टाइम टेबल तुम्हारे साथ में एक वीडियो में बना के दे दूंगा जिससे तुम आइडिया लगा सको सर मैं मेरा टाइम टेबल कैसे सेट करूँ, ठीक है। और देखो घबराना नहीं है, जो घबराने वाले लोग हैं सर मेरे से तो फॉलो ही नहीं होता, वो वैसे भी तैयारी ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है। चलो।